हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। स्वागत है बेटा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बेटा जो हमारा चलने वाला है, अभी हम लोग लेने वाले हैं, दिस वन इज लेक्चर नंबर सेकंड, है ना। इसके पहले भी बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन इस टॉपिक के ऊपर एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एमसीक्यू डिस्कस किए थे, है ना। सो अगर आपने वो क्लास मिस किया है तो वो देखना भी आपके लिए जरूरी है। इस क्लास में बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कुछ उससे रिलेटेड है, कुछ अलग तरीके के है ना। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन, जिसमें स्ट्रेट लाइन पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने पहला वाला क्लास नहीं देखा है बेटा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, वहां से आप वो सेशन भी देख लेना, सो दैट आपके कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। इसके साथ साथ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे के रखी है, जहां पे मैंने आपको पिछले क्लास की पीडीएफ नोट्स दी थी, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स भी वहां पे देने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको वहां पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो, बाद में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते बेटा, अंत तक क्लास में बने रहिए, सो दैट बेटरली आपको सारी चीजें समझे। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो के लिंक को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना। आपके लाइक से ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। चलो ज्यादा वक्त न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या कहा गया है क्वेश्चन को पढ़िए जरा। मुझे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, मतलब एक लाइन है जो पॉइंट से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, पॉइंट से, पैरेलल टू द अदर लाइन, पैरेलल टू द अदर लाइन। देखो आपको पता है जब लाइन पॉइंट से पास हो रही है तो उसके साथ अगर स्लोप दिया हुआ रहेगा तो आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकोगे, सही है ना। मतलब पॉइंट के साथ चाहिए था आपको स्लोप, बट आपको स्लोप ना देते हुए उन्होंने कहा कि स्लोप के बारे में हमें आइडिया नहीं है, बट जो एक्सपेक्टेड लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है। इस लाइन को क्या है बेटा, पैरेलल। तो दो लाइंस अगर पैरेलल है, इसका मतलब यह है कि उनका स्लोप इक्वल रहेगा। आपको पता है बेटा पैरेलल लाइंस के लिए आप क्या कहते हो, फॉर पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल है तो M1 इज इक्वल टू M2 होता है, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो आप सीधा सीधा ये कहिए, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। मतलब पॉइंट गिवन है, इस लाइन से बेटा एक स्लोप निकाल लो, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, और बन गया आपका आंसर, सही है ना। ओके और पैरेलल के साथ लगे हाथ आपको रिवाइज करके देता हूं। मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर बोला रहता था तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन कहा जाता था, तो हम लोग को वो भी पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। मतलब ही आप कहेंगे कि M2 इज इक्वल टू होगा बेटा -1/M1। मतलब अगर परपेंडिकुलर दिया रहता था तो गिवन लाइन का स्लोप निकालो, उसका निगेटिव रेसिप्रोकल कर लो। जैसे गिवन है पैरेलल गिवन है, तो जो गिवन लाइन का स्लोप है वही एक्सपेक्टेड लाइन का भी स्लोप है, ऐसा है ये मामला, समझ में आ रहा है। चलो ज्यादा वक्त में लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो और आसानी से क्लियर होगा। मैथ से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल बात कहने से अच्छा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, काफी जल्दी वो आपको आंसर दे देगा। करते हैं स्टार्ट। सो आपको कहा गया है बेटा लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से, और पॉइंट आपको गिवन है वो है 1, 2, जिसे आप कहेंगे बेटा x1, y1, x1, y1, सही है। पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो गया है, आपको कहा है लाइन इज पैरेलल टू, लाइन इज पैरेलल टू, लाइन है भैया पैरेलल, किसे पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू, लाइन पैरेलल है आपकी y इज इक्वल्स टू 3x-1 को। अरे सही है, देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे आप कंपेयर कर सकते हो, लेट y इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं बेटा, लेट अस से mx प्लस c,
तो आप कहोगे कंपैरिजन करके यम इज इक्वल टू कितना है, थ्री। यम इक्वल टू कितना है, थ्री। बट ये यम कौन सा है, ये है गिवन लाइन का स्लोप, ये है गिवन लाइन का स्लोप, है ना। सो आप कहोगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज थ्री। गिवन लाइन का स्लोप है थ्री। अब जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था, अगर लाइन पैरेलल है तो जो गिवन लाइन का स्लोप होगा वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी होगा बेटा इज ऑल्सो थ्री, इज ऑल्सो थ्री। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, रीजन यह है कि लाइन पैरेलल है। लाइन कैसी है, पैरेलल। लाइन पैरेलल है तो वही उसका भी स्लोप होगा जो गिवन लाइन का स्लोप है, सही है। सो आप ऐसा कहिए ना कि भैया अभी हमारे पास दो डेटा बन गए हैं, एक है पॉइंट जिसमें से लाइन पास हो रही है, वन इज अ पॉइंट बाय विच लाइन इज पासिंग थ्रू, सही है। सो आप कहेंगे कि लाइन जो है वो पास हो रही है बेटा पॉइंट 1,2 से, जिसे आप कहेंगे x1, y1, और लाइन का स्लोप है कितना है, स्लोप जो गिवन लाइन का स्लोप है वो है बेटा 3। सो आपको पता है लाइन का इक्वेशन होगा लाइन एज, बताइए पिछले क्लास में बोला था मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप पॉइंट फॉर्म एज y-y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x-x1। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। सारे वैल्यू पुट कर दो आपको आंसर ही मिल जाएगा। करते हैं सॉल्व। y- व्हाट इज y1, y1 इज 2 इज इक्वल्स टू m मतलब है बेटा 3 इंटू x-x1 कितना है 1 है। कीजिए सॉल्व। y-2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू -1 इज -3। अगेन ये वाले टर्म जो है अदर साइड शिफ्ट कर दो बेटा, अदर साइड भेज दो, सो आपके पास बनेगा 3x-y, ये y अदर साइड भेज दिया, 3x-y-3 और +2 इज इक्वल टू 0, सही है। y प्लस था बेटा, माइनस, 2 माइनस था अदर साइड प्लस। सो फाइनली 3x-y-1 इज इक्वल टू 0, ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलो बताओ मुझे कहां है ये ऑप्शन में आपको कहां दिख रहा है। अरे अरे अरे, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये तो बहुत नाइंसाफी हुई। क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में आपको इतना ही आंसर देके रखा था, मैंने ऑप्शंस देखे ही नहीं, है ना, और सॉल्व करते बैठा। बट कोई बात नहीं, काफी बार ऐसे टर्म में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ओके सो ये यही इस टर्म में ही आपको ऑप्शन गिवन है बेटा, चेक कर लो कहां पे है। y-2 इज इक्वल टू 3 इंटू x-1 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये वेस्ट गया क्या, कुछ लोग कहेंगे सर यही तो आंसर था, क्यों आगे सॉल्व किया, बेवजह हमें परेशानी की दी, है ना। ये वेस्ट नहीं गया बेटा, नथिंग विल बी वेस्ट। आप इससे पढ़ोगे कि कैसे डील करना है, मोस्ट ऑफ टाइम इस फॉर्म में ही लाइंस पूछते हैं। फिलहाल आपका काम कम करने के लिए, टाइम रिड्यूस करने के लिए इस फॉर्म में दे दिया था, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। चलो क्लियर है सबको, बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन आई गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, आपकी परमिशन चाहिए। अगर ये सारा पार्ट क्लियर हो रहा है बेटा, अगर आप तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सके, सभी लोग हमारे साथ पढ़ सके, सही है ना। चलो सो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया ना उससे ही रिलेटेड है ये वाली कंडीशन। सारे कंसेप्ट एक ही होते हैं, बस हमें उन्हें अच्छे से अरेंज करा करा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहेंगे, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, आपको कहा है द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट,
एक लाइन है बेटा जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, एंड लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, एक दूसरी लाइन है जो ये दो पॉइंट से पास हो रही है, आर कैसे होगी, वेदर दे आर परपेंडिकुलर, वेदर दे आर पैरेलल, वेदर दे मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, टैन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, लिखा के देता हूं वो भी, टेंशन मत लो। ओके, तो एक फॉर्मूला जिससे आप ये तीसरा ऑप्शन चेक करोगे, नन ऑफ दिस, ये तो एक ऑप्शन रिड्यूस करने के लिए दे दिया, जनरली नन ऑफ दिस आंसर क्यों रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बट फिर भी कुछ केस में हो सकता है, चेक करेंगे क्वेश्चन पे। अब देखो, अब आई है पिछले क्लास की बारी, अगर आपने लेसन नंबर मतलब वीडियो नंबर 1 देखा होगा हमारा, आप प्रेजेंट थे तो मैंने बताया था बेटा दो पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो देख लेना बाद में, अभी रिवाइज कर देता हूं। अगर आपके पास बेटा पहला पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा पॉइंट है बेटा एक्स टू कॉमा वाई टू, अगर इस तरह से आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, तो इनके लिए बेटा स्लोप होता है m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ में आया, अगर दो पॉइंट गिवन है, अगर दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप क्या है, विजिबल है ना वो कलर। ओके, सो दो पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप है बेटा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सही है। अब पहले इस लाइन के लिए स्लोप निकालो, फिर इस लाइन के लिए स्लोप निकालो और फिर रिलेशन चेक करेंगे, करते हैं सॉल्व। हियर वी गो, पहले लाइन के लिए फॉर लाइन वन, फॉर लाइन वन क्या कहेंगे, लाइन वन के लिए आपके पास बेटा पहला वाला पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस फोर, इसे कहिए आप एक्स वन कॉमा वाई वन। सेकेंड वाला पॉइंट है बेटा आपके पास माइनस टू कॉमा सिक्स, इसे कहेंगे आप एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स टू कॉमा वाई टू। बताइए स्लोप, एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट कर दो बेटा जल्दी से, y2 माइनस वाई वन मतलब 6 माइनस ऑफ माइनस फोर डिवाइड बाय x2 माइनस एक्स वन मतलब माइनस टू माइनस थ्री। सो वैल्यू बन जाएगी बेटा m इज इक्वल्स टू कितना है देख लीजिए एक बार, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री मतलब माइनस फाइव। सो वैल्यू बन जाएगी बेटा 10 डिवाइड बाय माइनस फाइव, मतलब ये आप कहिए m की वैल्यू है माइनस टू। ये समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से, ये विजिबल है बेटा सारा पार्ट, दिख रहा है सारी चीजें, दिख रही है ना। चलो, सो m की वैल्यू मिल गई आपको माइनस टू जब आप लोगों ने पहले लाइन के लिए सॉल्व किया। ये आपका लाइन वन का डेटा है, ये है आपका लाइन नंबर वन, सही है। अब आगे बढ़िए और लाइन नंबर सेकंड के लिए सेम पार्ट सॉल्व कीजिए, देखिए किस तरह से बनेगा बेटा लाइन नंबर सेकंड। क्या हो रहा है भाई, हैंग हो गया शायद। चलो लाइन नंबर सेकंड के लिए सॉल्व करके फॉर लाइन टू, लाइन टू के लिए देखिए कैसे बनेगा, हाउ इट विल बी फॉर लाइन टू। आपके पास पॉइंट है बेटा माइनस थ्री कॉमा सिक्स, इसे कहेंगे आप एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है बेटा आपके पास नाइन कॉमा माइनस एटीन, इसे कहिए आप एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स टू कॉमा वाई टू, सही है। चलो एक बार ट्राई करके देखता हूं, चलो हो गया सुधार, मशीन है ना, बिगड़ती रहती है, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्स वन वाई वन, सेकेंड पॉइंट इज एक्स टू वाई टू, और इसे करना है हमें अभी सॉल्व। तो आप कहेंगे बेटा स्लोप बनेगा आपका वही वाला फॉर्मूला, क्या रहेगा स्लोप का फॉर्मूला, एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। वैल्यू बता दो, व्हाट इज वाई टू माइनस वाई वन, माइनस एटीन माइनस सिक्स डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज नाइन माइनस ऑफ माइनस थ्री। थोड़ा शांति से सॉल्व करिए, सो एम इज इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा माइनस एटीन माइनस सिक्स मीन्स माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस
9 प्लस 3 मीन्स 12, सो m की वैल्यू बनेगी तो -24 अपॉन 12 मतलब बेटा -2, सही है। अब देखिए ये था आपका पहले लाइन का स्लोप, ये है आपका दूसरे लाइन का स्लोप। आप मुझे बताइए ये दोनों में कैसा रिलेशन है। मान लीजिए पहले लाइन का स्लोप आप m1 कह रहे हो, सेकंड लाइन का स्लोप आप m2 कह रहे हो, कैसा है ये रिलेशन? अरे उसे देखो और बताओ। इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -2, मतलब आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, अभी कहोगे आप कहोगे कि सर यहां मालूम है क्या है, यहां है m1 इज इक्वल्स टू m2। कलर बदल देता हूं मैं, क्या है बेटा वहां पे, यहां पे है m1 इज इक्वल्स टू m2, जितनी जितना पहले लाइन का स्लोप उतना ही दूसरे लाइन का स्लोप, और m1 इक्वल टू m2 कहां होता है? बिल्कुल सही जवाब, जब लाइन होती है पैरेलल। अगर लाइन आपकी पैरेलल्स है तो m1 इक्वल टू m2 होता है। सो बट ऑब्वियस आपका करेक्ट जवाब होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मिल गए आपको 10 करोड़, 10 करोड़ के लिए था ये सवाल। ओके चलो, बस मुझे मत मांगना, ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन 100 करोड़ के लिए, ठीक है। सो आपको कहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट 3, -4 जो परपेंडिकुलर है इस वाले लाइन को, मतलब पहला जो सॉल्व किया था ना बेटा, जोक सपाट, पहला जो सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह का, एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जो पॉइंट है बेटा 3, -4, तो हम कहेंगे कि इसे, ये है आपका x1, y1। गिवन लाइन देखो क्या है, आपके पास जो गिवन लाइन है ना, आपके पास जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन है आपकी कौन सी बेटा, गिवन लाइन है आपकी 3x + 4y = 5। हम लोग इस गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे, क्या कहेंगे बेटा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, गिवन लाइन का स्लोप दैट इज लेट अस से m, वो क्या होता है, वो होगा बेटा -3/4। अब आप पूछो सर ये कहां से लिखा आपने, ये तो नया ही कुछ कर दिया, तो समझो बेटा फॉर्मूला होता है ना, अगर लाइन है ax + by + c = 0, अगर लीनियर फॉर्म में लाइन है, अगर लीनियर फॉर्म में लाइन है तो स्लोप होता है आपका m = -a/b, कोएफिशिएंट ऑफ x / कोएफिशिएंट ऑफ y, इस तरह से मिलता है आपको स्लोप की वैल्यू। समझ में आया, तो दैट इज हाउ वी हैव फाइंडेड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अब ये जो स्लोप था ये कौन से लाइन का है बेटा, ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन, बट रिक्वायर्ड लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे, बट रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, बट रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो गिवन लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर। तो आप कहोगे बेटा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या बनेगा, हाउ वी विल हैव अ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो होगा -1/this value विच इज m। अरे समझ में आया क्या, -1/given slope, अगर लाइन पैरेलल रहती थी तो स्लोप सेम स्लोप, जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो निगेटिव रेसिप्रोकल, सो वैल्यू बनेगी बेटा -1/given slope है -3/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका इनवर्ट रेंडो कर दो तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बन जाएगा बेटा 4/3। चलो ये दिख रहा है क्या आपको, बताओ मुझे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बन गया 4/3। और अगर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आपके पास मिल जाता है, बन जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। करते बेटा आगे सॉल्व, आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहोगे कि सर जी पॉइंट है हमारे पास 3, -4 जिसे आप लोगों ने कहा x1, y1, ओके, और स्लोप बन गया है अभी कितना है 4/3। ये चीज किसके लिए है,
यह फॉर गिवेन लाइन, सॉरी फॉर रिक्वायर्ड लाइन, किसके लिए? फॉर रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन हम लोगों को फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड लाइन के लिए पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, सो y माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1, y1 कितना है माइनस 4 इज इक्वल्स टू m कितना है बेटा 4 बाय 3 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है, x1 है आपके पास 3, 3 डिवाइड है अदर साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस माइनस बिकम प्लस 4, ओके इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। देखो कहीं इस फॉर्म में तो नहीं दिया, पिछले बार गलती हो गई थी हमारी, इसे डिटेल में सॉल्व करना है सो दैट वी कैन गेट अ फाइनल आंसर। तो आप कहेंगे बेटा 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4 इंटू x मीन्स 3 टाइम्स ऑफ y इंटू 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, सही है 4x माइनस 12, देख लीजिए एक बार ये टर्म अदर साइड शिफ्ट कर दीजिए बेटा, तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, सो फाइनल आंसर बनेगा आपका 4x माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। चलो सर्च करो करेक्ट आंसर, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, अरे यहां भी उसी फॉर्म में दे दिया क्या, ये देखो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर डी ऑप्शन है ना, ये जो 3 यहां पे भेजा इसे अगर हम लोग अल्टर ना करते हुए एज इट इज रखते हैं है ना, y y 4 ये यहां पे, तो वही वो आंसर है ना, एक स्टेप वापस से स्टेप्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर दी, चलो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, नहीं होना चाहिए था ये है ना, यही वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिल गया बेटा। सो दैट इज हाउ वी आर हैविंग फाइनल आंसर, कुछ इस तरह से बेटा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है, होप ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से क्लियर है। अगर आप देख पाते हो तो कुछ और भी क्वेश्चन आपके पास है, आपको कहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए, ए के कौन से वैल्यू के लिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये लोकस पे लाय करेगा। देखो सिंपल सी चीज समझो, जब भी कोई पॉइंट किसी भी लोकस पे लाय करता है मतलब वो उसे सेटिस्फाई करता है। पॉइंट होता है x, y, पहले वैल्यू को आप x ले लो, सेकंड वैल्यू को y ले लो, अगर आप पुट करोगे किसी भी लोकस के इक्वेशन में तो वो उसे क्या करेगा, सेटिस्फाई। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक ए अननोन दिया है और ये पॉइंट इस इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, ए के कौन से वैल्यू के लिए पूछा है, दो मिनट में सॉल्व कर देंगे बेटा इसे। सो बेसिकली आप सबसे पहले कहेंगे एज आपके पास लोकस है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 ए वाई। अब पॉइंट क्या है आपके पास जो इस लोकस पे लाय कर रहा है, वो पॉइंट है बेटा आपके पास माइनस 6.3 जिसे आप कहोगे एक्स कॉमा वाई, जिसे आप क्या कहोगे एक्स कॉमा वाई, मतलब ही एक्स की वैल्यू कितनी लोगे, एक्स की वैल्यू लोगे बेटा माइनस 6 और वाई की वैल्यू लोगे 3, कर दो यहां पे सब्स्टिट्यूट, सो वी विल हैव अ वैल्यू एज एक्स के जगह पे कितना लेना है बेटा 3, तो वो बन जाएगा 3 का स्क्वायर 4 एज इट इज ए एज इट इज, y की जगह पे कितना लेना है माइनस 6, कीजिए अब इसे सॉल्व, 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 6 मीन्स माइनस 24 ए, माइनस 24 ए ये वैल्यू है बेटा, मल्टीपल अदर साइड भेज दो डिवाइड हो जाएगी, सो वैल्यू बनेगी 9 डिवाइड बाय माइनस 24 इक्वल्स टू कितना ए, 9 डिवाइड बाय माइनस 24 इक्वल टू कितना ए, सही है। सो क्या रहेगा आपका वैल्यू देखिए, दोनों है बेटा किसके डिविजिबल है, ए इज इक्वल्स टू दोनों है 3 के डिविजिबल, 3 3 जा 9 और वापस से क्या कहेंगे आप 3 8 जा 24, तो ए की वैल्यू है माइनस 3 बाय 8, ए की वैल्यू बन रही है बेटा माइनस 3 बाय 8,
देखिए इस क्वेश्चन में कहीं तो भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है ना, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ही एडिट कर देते हैं। लेट अस से ये वाला ऑप्शन जो है ये रफ कर देता हूं मैं, ये -3/8, इस तरह से आपके पास आंसर बनेगा। कंसेप्ट को समझो, जब भी कोई पॉइंट किसी लोकस पे लाए करता है तो उस लोकस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वहां पे आप एक्स और वाई को रिप्लेस कर सकते हो, सही है। सो दैट इज हाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन। आई होप बेटा ये चीजें आपको काफी, अरे गलती हो गई हमारी, आई एम वेरी सॉरी, क्या गलती हुई बताओ, x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 3 है, रिवर्स ले लिए मैंने, आई एम वेरी सॉरी, ये कैसे हो गया। चलो x की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर रहेगा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय a एज इट इज, y की वैल्यू 3 है, अभी आएगा करेक्ट आंसर, सही है। क्या रहेगा बेटा, -6 का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, दैट विल बी 36 इज इक्वल टू 4, 3 12 टाइम्स ऑफ ए, 12 है मल्टीपल अदर साइड, डिवाइड 36 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू रहेगा ए, तो ए इज इक्वल टू बन जाएगा 12 3 36, ए की वैल्यू रहेगी बेटा 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोई करेक्शन नहीं था, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, है ना, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, गलती तो इंसान से ही होती है और उसे करेक्ट करना भी इंसान का ही काम है। अगर गलती होती है तो एक्सेप्ट करो, उस पर रिसर्च करो कहां गलत किया है और उसे सही करो, तब जाके चैन से बैठना है, सही है। चलो सो होप ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से क्लियर है। मिलेंगे हमारे अगले सेशन में, अगले वीडियो क्लास में, जिसमें कुछ और क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के हम लोग सॉल्व करेंगे। होप ये बेसिक चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे हो, है ना। सो इसकी जो पीडीएफ नोट्स है बेटा, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन कहीं तो भी लिख लीजिए। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी हम लोग कुछ सेशंस ले चुके हैं, उन सेशंस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर वो सेशन नहीं देखे तो उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।